हर्ष तो गया, अब तुम सब भी जाओगे। मेरी मां और मेरे परिवार के साथ तुम सबने जो कुछ भी किया है भूली नहीं हूं मैं आज तक, और ना ही तुम सबको भूलने दूंगी। एक एक करके मौत दूंगी तुम सबको, तड़पा तड़पा के मारूंगी तुम सबको। वृंदा, 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 ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या ये हमारा इयररिंग वहां क्या कर रहा था जहां हर्ष था, उस वाटर टब के पास? अब ये मत कहना कि ये इयररिंग तुम्हारा नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा है, मैंने कब इनकार किया? लाओ, थैंक यू। मैं पूछ रहा हूँ कि ये वहां पर क्या कर रहा था? मुझसे गिर गया होगा ना, टब में से मैं ही तो निकली थी, पानी में से देखा नहीं था क्या तुमने? वेट, यहां पर क्या कर रही हो तुम? इस वॉशरूम में, इस कमरे में, ये कमरा मेरा है। हमारा कमरा है देव, शायद तुम भूल गए हो मैं वापस आ गई हूँ। स्टॉप इट वृंदा, कुछ नहीं भूला हूँ मैं। अच्छी तरह से याद है कि रजत के लिए मुझे छोड़ के चली गई। देव ये झूठ है। शट अप, तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। होली पार्टी में मैंने भांग पी रखी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नशे में था। इतना नशा नहीं हुआ था मुझे कि तुम जो भी कहो उसे मान लूं। तुम कहो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं थी और उसे मान लूं मैं। वृंदा शर्मा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ क्यों आई हो। पैसे खत्म हो गए होंगे इसीलिए आई हो ना वापस। पैसे की भूख मुझे नहीं है देव, तुम्हें है। कुछ भी करके किसी भी तरीके से पैसे कमाने का भूत तुम्हारे ऊपर सवार था, मेरे ऊपर सवार था। बिजी कर लिया मैंने अपने आप को, वर्कहोलिक बन गया मैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई थी, एंड आई डोंट नो कि वो वापस क्यों आई है, बट आई नो वन थिंग कि आई एम डन विद हर, सो जस्ट लीव। वाह देव, मुझे नहीं पता था अमीर बनने के साथ साथ तुम वायलेंट भी बन गए हो। पर तुम ही थे ना वो जो हमेशा बोलते थे तुम्हें वायलेंस से नफरत है, तो फिर आज के तुम्हें अपने आप से भी नफरत हो गई है। हमेशा की तरह बातों को घुमाओ मत। तो फिर तुम चिल्लाना बंद करो। नहीं करूंगा, क्या करोगी? अच्छा हुआ तुम आ गए, वृंदा वापस आ गई है। और उसने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है, ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर उसने देव को अपना अगला निशाना बनाया तो कितनी बार कहा है मेरा चेहरा देखने की कोशिश मत करो, मेरी शक्तियां कम होती। पीछे हटो, पीछे हटो। खैर मैं वृंदा के बारे में कह रही थी, उसने उस हर्ष को मार दिया, 4 दिन हो गए पर वो पकड़ी नहीं गई, कोई सबूत नहीं छोड़ा उस वृंदा ने। पुलिस को भी लगता है कि वो एक एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं। उन्हें लगता है कि हर्ष एक्सीडेंट से टैंक में गिरा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? शोर मचा कर रही। और वैसे भी शेर कभी दहाड़ मारकर शिकार नहीं करता, वैसे ही मैं भी बिना बताए वृंदा पर वार करूंगी। तुम्हारी शैतानी शक्तियां और मेरा शैतानी दिमाग, इस मेल का मुकाबला वो कभी नहीं कर पाएगी। अब वो मुझसे मेरा कुछ नहीं छीन पाएगी, देव भी नहीं। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मारने की प्लानिंग। व्हाट? ड्राई वेदर है, क्रीम लगा रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? मेरा मतलब है मेरे कमरे में क्या कर रही हूँ? पत्नी अपने पति के रूम में क्या करती है, वही कर रही हूँ।
या पत्नी, राइट राइट, यू आर राइट। वैसे आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? दिन बहुत अच्छा गया, सुपर्ब, अमेजिंग। और मुझे तो लग रहा है कि रात उससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, अपनी पत्नी के साथ जो बिताऊंगा, राइट? और वो भी पूरे एक साल के बाद। आई एम सो एक्साइटेड। क्यों, क्या कर रहे हो देव? अरे अब आ रही है ना हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग, सो नाइस। देव छोड़ो मुझे, मैं... अरे बीवी हो तुम मेरी, क्या हो गया? और ऊपर से एक साल के बाद मिली हो, आई रियली मिस्ड यू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास क्या है इसमें, सच है ये तो। बीवी से तो ऐसे ही प्यार जताया जाता है ना। तो क्या शलाका के साथ भी ऐसे? व्हाट नॉनसेंस। आओ मेरे पास। वेट, मेरे पास। इंसान जिससे हर रोज प्यार थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाए, वो एक इंसान चाहिए। बा को याद था मुझे? बा को याद नहीं था, मुझे याद था। मेरे तुम्हें छूने में तुम्हें कोई एतराज नहीं। बताया नहीं तुमने, शलाका के साथ भी यही सब। पहले तुम बताओ, मुझे मिस नहीं किया तुमने? टेल मी, डिड यू मिस मी? लगा रही हूं अब। सॉरी शलाका, एक्चुअली वो ऐसा। इट्स ओके देव, आई ट्रस्ट यू। आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। क्या कर रही हैं आप ये? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ? बोला था ना देव की पत्नी मैं हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। तो तुम अब यहाँ नहीं रह सकती हो, वरना बहुत पछताओगी। ओके, कभी नहीं। देव मेरे पति है और मेरी शादी हुई है उनसे, उन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, उनकी भागी हुई पत्नी भी नहीं। शलाका तुम्हें पता भी नहीं है मैं कौन हूं और क्या कर सकती हूँ।
कर लेंगे। क्या बिगाड़ लीजिए आप मेरा, बोलिए। यहीं के यहीं मार दूंगी मैं तुम्हें इसी वक्त। मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूं, लड़ने वालों में से हूं मैं। मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। देव मेरा पति है। है नहीं था, अब वो मेरे पति है और मैं अपने पति के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। आपको जो करना है करिए, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी और कहीं नहीं भागूंगी। मैं आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं भागूंगी। अपने यार के साथ बहुत बोल लिया शलाका, यहां से दफा हो जाओ तुम। गुड वृंदा, वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो मैं चाहती थी कि तुम गुस्से में आओ और गुस्से में आकर तुम कोई ऐसी गलती करो जिसका फायदा मैं उठाऊं। नयनतारा, उफ शलाका। क्या हुआ, किसके चीखने की आवाज आई थी? तुम्हारी बीवी। हम दोनों को साथ में देख नहीं पाए, उसे गुस्सा आ गया तो भाग गई। सॉरी। कमाल है ना, मेरी कोई भी बीवी बनती है वो भाग जाती। ताना दे रहे हो? ताना देना किसी को धोखा देने से तो बेहतर ही है। देव तुम्हें जो बोलना है बोल लो, पर मैं हूँ तुम्हारी वाइफ और उस हिसाब से तुम्हारी लाइफ में रहने का मुझे पूरा हक है। कौन सा हक, कैसा हक? कोई हक नहीं है तुम्हारा। वृंदा शर्मा, तुम वो लड़की हो जो कभी मेरे दिल में उतरी थी लेकिन अब मेरी नजरों से उतर गई है और कभी मेरे दिल में जगह नहीं मिलेगी उसे। इनफैक्ट मुझे मालूम है कि किस इरादे से आई हो यहाँ पर। तुमने सोचा होगा कि चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, तमाशा होगा, लेकिन मैंने चुप रह के बाजी पलट दी और आगे भी मैं यही करने वाला हूं। तुम मुझे नजर भी आओगी ना तो तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा। मुझसे शादी करोगी? फेरे लेते हुए मैंने उसे वचन दिए, साथ निभाने का वचन, हर जिम्मेदारी को बांटने का वचन। तो आज जब मौका आया है तो मैं अपना पति होने का फर्ज निभाऊंगा। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। अच्छा ये छोड़ दीजिए, वो दोनों सोफे यहाँ लगा दीजिए। अभी क्या, अभी जल्दी कीजिए ना, आप लोग बहुत स्लो हैं। क्या कर रहे हैं आप? हे राम दीदी, इसको देखो, चलो चलो मेरे साथ। दीदी एक बात बताऊं, पहली वाली ना घर के किसी सामान को हाथ भी नहीं लगाती थी और इसको देखो, जब देखो घर के सामान को इधर उधर नचाती रहती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी, अगर इसने आपको नचाना शुरू कर दिया तो। मम्मी जी। अरे खुश रहो बहू। मम्मी जी वो मुंह दिखाने की रस्म उस दिन नहीं हो पाई थी ना, तो सोचा आज कर लो। हाँ, क्योंकि उस दिन ना इस घर का एक बच्चा मर गया था। जी चाची जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर लेकिन हर्ष की 13वीं को हुए भी एक हफ्ता हो चुका है और मम्मी जी आप ही ने तो कहा था कुछ भी करना शलाका, लेकिन इस शादी को सफल बनाकर ही रहना। तो मैं कोई मौका देना नहीं चाहती किसी को, इसलिए वरना। ठीक है बेटा, कर लो तुम मुंह दिखाई की रस्म। ठीक है। हाँ
कर लो, मुझे क्या। वैसे मम्मी जी, मैंने इनविटेशंस भी रेडी करके सबको भेज दिया है और खाने का मेन्यू भी रेडी है, आपको कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लोग भी बस थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, ये थोड़ा सा काम बाकी है। तुम चिंता मत करो, मैं और केतकी संभाल लेंगे, तुम जाओ बेटा जाओ। सच में मम्मी जी, ठीक है। अब मैं देखती हूँ वृंदा तुम क्या करती हो। केतकी, लिली, भाभी भाभी फोटोज चाहिए थी ना तुम्हें। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। सच में भाभी, आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया ना, मैं कभी। इट्स ओके। लेकिन लिली, तुम्हें होशियार रहना होगा। हाँ, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती। हाँ हाँ, बाकी सब कुछ स्वरा माँ ने संभाल लिया है। हाँ, बस तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो। हाँ, बस जिंदा हूँ मैं भाभी। ऐसे नहीं बोलते लिली, क्या हो गया? तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो, जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है, और जो भी हो रहा है ना, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लो। हाँ, ये सोच लो ना, तो प्रतीक तुम्हारे लायक ही नहीं था। भाभी वो सब पता है, बट बस कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नो डिटेल्स, ये हमारा सीक्रेट है और हम दोनों के बीच में रहेगा, याद है? आखिर क्या सीक्रेट है इनका, पता लगाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। आइए आइए आइए। एंड वी आर रेडी फॉर द मुंह दिखाई। वो तू कॉफी पी रहा है? ट्राई कर। व्हाई नॉट डूड, क्या आइडिया है, कॉफी की कंटेनर में स्कॉच। मैं आराम से पागल है क्या? दिखा मुझे, दिखा। यू गाइस आर सिक। घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और तुम लोग ये सब कर रहे हो। उसी को बुलाने के लिए तो पी रहे हैं यार। बुलाने के लिए पहले याद तो कर लो। स्पर्श, लिली को भी ट्राई करा ले ले। हाँ, क्या है ये, ट्राई कर। नहीं थैंक यू। अबे कितनी बदल गई है, एकदम बोरिंग। I swear dude, इससे ज़्यादा happening तो अपनी नई भाभी है। At least हमें छुप-छुप के दारू तो पिला रही है। सही में यार। शलाका की मुंह दिखाए है, तुझे पता था देव? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। बैठो बेटा। आप सब बैठिए ना। लेकिन खैर, अगर माँ चाहती है कि मुंह दिखाई हो तो मैं इस रस्म में हिस्सा लूंगा। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वृंदा भी घर पे है और उसने अगर देख लिया तो मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कोई अनहोनी हो जाए। बाय, डोंट केयर। वृंदा यहाँ हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, ये तुझे मुझे बोल के बताने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ। तू वृंदा की परवाह नहीं करता, पर मेरी तो परवाह करता है ना। प्लीज तू मेरी खातिर वृंदा को जाके कह दे कि वो नीचे नहीं आए। घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ तमाशा बने। प्लीज जाके उसको कह देना। Thank you.
ये क्या हो रहा है? मेरी बीवी की मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। बताया क्यों नहीं? मैं तुमसे कहने आ रहा था कि अरे यार मैं ठीक लग रही हूँ क्या? एक सेकंड, ठीक है ना सब? इतनी बुरी भी लग रही। ये क्या पहना है तुमने? रसम में कोई ऐसे फॉर्मल्स पहन के जाता है क्या? कुर्ता पजामा पहनते हैं। आओ मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा मेरी बीवी की रसम है। हाँ तो मैं हूँ। नहीं तुम नहीं हो, वो है मेरी बीवी शलाका। उसकी मुंह दिखाई की रसम है, उससे शादी हुई है मेरी, उसकी मुंह दिखाई की रसम है। मेरी कभी नहीं हुई ना मुंह दिखाई। वृंदा मैं बहुत लेट हो रही हूँ, रसम स्टार्ट हो जाएगी, हमें जाना पड़ेगा। सुनो इधर आओ, तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, इधर आओ मेरे साथ। आड़ में जाइए। तुम भाड़ में गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम नीचे आओ ना आओ। झूठ। ये नहीं कहने वाले थे तुम कहने वाले थे कि भाड़ में गई ये रस्म, ये मुंह दिखाई, है ना? बोलो ना, बोलो। जस्ट शट अप एंड स्टे इन योर रूम। नहीं अब तो नहीं रहूंगी, अब तो इस रसम में जरूर जाऊंगी। मैं भी तो देखूं पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी की मुंह दिखाई में होना लगता कैसा है। ब्रिंदा नो। यस। तुम नहीं जाओगी। जाऊंगी। जिद मत करो। क्यों? अभी तो कह रहे थे मैं नीचे रहूं ना रहूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं पड़ता, बा को पड़ता है। बा को मैं संभाल लूंगी, जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अच्छा तो ऐसे ही पकड़ के खड़े रहोगे पूरा दिन? लोग क्या कहेंगे? चलो लोग छोड़, बीवी क्या कहेगी तुम्हारी दूसरी? वृंदा अरे वृषाली, बहू तो आ गई पर बेटा कहाँ है? अरे वो देव आ ही रहा है, वो थोड़ा तैयार हो रहा है। वृंदा ये तो पहले वाली है ना? वृंदा प्लीज। ये देव कर क्या रहा है? कभी इस बीवी के साथ, कभी उस बीवी के साथ, इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहे? आप छोड़ो ना भाभी, बस मजे लो खड़े होके। अरे ये तो पुजारी की बेटी है ना, बीवी नंबर वन। वृषाली तेरी बहुएं तो बहुत एडजस्टेबल है, कभी सौतन तो कभी सहेली। रोहन भाई, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। देव यहां आके बैठो। चलो चलो अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। अरे बहू तो बहुत सुंदर है। पहले वाली से भी ज्यादा। हाँ भाई ये तो अब देव ही बताएगा। माँ ये रस्म जल्दी हो जाए तो मुझे ऑफिस भी जाना है।
खुश रहो और जल्दी से मम्मी बन जाओ। अरे हाँ भाई, बा को उसका पहला परपोता या परपोती तो तुम्हें ही देना है। पहला नहीं आंटी जी, दूसरा। दूसरा मतलब? मतलब कि पहला बच्चा अब तो वृंदा का है ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बात बकवास ही निकले तो अच्छा होगा। तुमने खुद देव से कहा था कि वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट गलत थी। मैं भी तो वही बोल रही हूँ, झूठ था वो सब। तुम झूठ क्यों बोल रही हो बृंदा? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, या तुम ड्रामा कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो। इनसिक्योर हो गई हो ना तुम, क्योंकि देव की पहली पत्नी उसकी लाइफ में वापस आ गई, इसलिए तुम्हारी ये सो कॉल्ड शादी गैर कानूनी हो गई है इसलिए। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, हाँ, आप इस जुर्म में इक्वल भागीदार है, क्योंकि देव की पहली पत्नी होते हुए आप लोग दूसरी पत्नी की मुंह दिखाई कर रहे हैं। बृंदा बी क्वाइट। क्यों, दूसरी शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सच सुनते हुए शर्म आ रही है तुम्हें? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, चलो यहां से निकलो बाहर। क्यों सासुमा, पहले पुलिस को नहीं बुलाएंगी? फिर पता लगेगा कौन बाहर रहेगा और कौन हमेशा के लिए अंदर। अरे ये बहू है या बला है? गाइस, फूड प्लाजा में आप सबके लंच का अरेंजमेंट है। रोहन जी भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलिए लंच कर लेते हैं, क्या okay, मुंह दिखाई तो होती रहेगी। हाँ चलिए आइए आइए सब लोग। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? शलाका, अब रोने की क्या बात है? ये बिना सर पैर की बात तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी। जब बृंदा ने होली पार्टी में कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी और मैंने सबको बता दिया था, तो ये बात निकाली क्यों तुमने? अब क्या कहना चाह रहे हैं देव? मुझे जो पता था मैंने वही कहा। देव आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको पता होने के बावजूद कि वो बच्चा आपका नहीं है, आप फिर भी उसे अपनाने के लिए तैयार थे। ठीक है, मेरी गलती, मेरा क्या, मुझे लगा सबको पता था। सबको पता था, तुम्हें कुछ नहीं पता। वृंदा प्रेग्नेंट नहीं थी। बा को उसका पहला परपोता या परपोती तो तुम्हें ही देना है। पहला नहीं आंटी जी, दूसरा। वृंदा भाभी, भाभी ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था कि तुमने देव भाई को बोल दिया कि कोई बच्चा बच्चा नहीं है, तो हमने किसी को नहीं बताया, तो फिर बच्चे की बात कहां से आई बीच में? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी के सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर ये बात शलाका को किसने बताई? लिली तुम ठीक से याद करो, नहीं तुमने गलती से किसी के सामने तो नहीं कुछ कह दिया? मैंने किसी को कुछ, मैंने बस मिली को बताया था। लेकिन वृंदा तब तो शलाका घर पे भी नहीं थी, और जब से शलाका की शादी हुई है मिली तो रिहाब में है। तो फिर शलाका को पता कैसे चला? कसम से मैंने बच्चे की बात इसलिए की थी क्योंकि वृंदा। रोहन स्पर्श सब संभाल लिया ना? हाँ माँ, सारी आंटियां खाती पीती थी और खूब ठूस ठूस के गई। शुक्र है भगवान का वहां सब ठीक ठाक से निपट गया। रोशाली भाभी ये बच्चे का क्या बवाला है, इस बात को तो क्लियर करो। कोई बच्चा नहीं है, there is no baby.
अरे महेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बच्चा किसका है महेश? माफ कीजिएगा, वो वृंदा ने मुझे जल्दी जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए मैं ये यहाँ पे कैसे आपने बुलाया क्या? पागल हो क्या? मैं क्यों बुलाऊंगी? पापा आप यहाँ? हाँ बेटा, तुमने वो नोट छोड़ा था ना कि जल्दी से आ जाओ, कोई इमरजेंसी है, तो मैं भागा भागा चला आया। क्या हुआ? मतलब बच्चा हुआ है। देखा देव, बच्चा हुआ है और वृंदा के घर में पल रहा था, और ये इसी का बच्चा है ना तुम्हारा बच्चा ये? इसका मतलब होली वाले दिन तुमने फिर से झूठ बोला। बड़ी माँ, मैंने आपसे कोई चुप कर, खबरदार जो मुझे बड़ी माँ कहा तो, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो तुझे उसी दिन धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहती थी जिस दिन तूने हम सबसे कहा था कि तेरे पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। लेकिन मेरा ये बेटा महान आत्मा, इसे पति धर्म निभाना था, इसलिए मेरे हाथ बंधे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ना तो इस घर की बहू है, ना मेरे बेटे की बीवी। इसलिए उठो अपने इस बच्चे को और अपने बाप को लेकर मेरे घर से बाहर निकल। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? सिर्फ इस घर में जगह बनाने के लिए तुमने देव से झूठ बोला। क्यों झूठ कहा तुमने उनसे? गाइस, गाइस। बस बस देव, तुम चुप करो। ए लड़की, तू क्या बुत बन के खड़ी है? सबकी बातों का जवाब दे। ये जवाब क्या देगी? जवाब तो उसके बाप से मांगना चाहिए, जो अपनी बेटी का पाप इस तरह गोद में लिए घूम रहा है। इनकी फैमिली ने हमारी नाक कटवा दी। वृंदा, इसलिए तूने मुझे कहा था कि तुझ पे भरोसा रखो, हाँ, ताकि तू मुझे दोबारा धोखा दे सके? इतना बड़ा झूठ वृंदा। ए, अभी यहाँ खड़ी मत हो, चल अपनी पाप की पोटली उठा और निकल ले, नहीं तो तुझे तो धक्के मार के निकाल दूंगी तुझे। बस कीजिए मॉम, स्टॉप इट एंड स्टॉप इट ऑल ऑफ यू। बिल्कुल चुप ले ली। ए, तू कौन होती है मेरी बेटी को चुप कराने वाली? मैं ना तेरी जबान खींच लूंगी अगर तूने मेरी बेटी को चुप कराने की कोशिश की तो। सही कहा मां, क्योंकि आज मैं बोलूंगी और आप सब लोग सुनेंगे। गुड, बोल तू, मैं देखती हूँ तुझे कौन चुप कराता है, बोल। नहीं वृंदा, बस इनफ इज इनफ यार। और कितना सहोगी तुम, कितना बर्दाश्त करोगी? और वही मैं कह रहा हूँ, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, जाओ और चुल्लू पर पानी में डूब पड़ो। प्लीज नहीं वृंदा, आज बोल लेने दो मुझे, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सब लोग सुनेंगे। ये बच्चा जिसके लिए आप वृंदा को ब्लेम कर रहे हैं, ये बच्चा वृंदा का नहीं है, ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा है ये। क्या बकवास कर रही है? हाँ, क्या बकवास कर रही है तू? तो इस वृंदा को बचाने के चक्कर में क्या बकवास कर रही? मैं ना तेरी जबान खींच लूंगी। सच बोल रही हूँ मैं माँ, यही सच है। तू मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। देखो कुछ नहीं सुनना है। देव, अगर मैं तुमसे कहूँ सब कुछ ठीक कर दूंगी, क्या तुम मेरी बात मानोगी? अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हें दो वृंदाओं के साथ आगे नहीं रहना पड़ेगा, और यही सच्चाई है। अरे वृंदा तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, प्रेग्नेंट मैं थी, और ये बच्चा मेरा और प्रतीक का है। प्रतीक मेरा बॉयफ्रेंड था, प्यार करता था मुझसे, लेकिन जब मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनाई तो उसने मुझे धोखा दे दिया। लिली, क्या बोल रही है तू? होश में है? क्या बोल रही है तू? सॉरी डैड,
सॉरी ऑल ऑफ यू, मैं आप सब लोगों को बताना चाहती थी लेकिन मैं बहुत डर गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे किसी किसको क्या बताऊं। लेकिन फिर जब वृंदा को इस बारे में पता चला तो वृंदा ने मेरी मदद की इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। वो वृंदा ही थी जिसने मुझे हेल्प किया। देव भाई आपको याद है मैं आप लोगों को बोल के गई थी कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए। मैं किसी कोर्स के लिए वहां नहीं गई थी, मैं अपनी डिलीवरी के लिए गई थी। और जब मैं डिलीवरी के बाद वापस घर पे आई ना तो वो वृंदा थी जिसने इस बच्चे का ध्यान रखा एक माँ की तरह। वृंदा तूने ये बताया नहीं बेटा? बताया तो था माँ, बोला तो था, अपनी वृंदा पे भरोसा मत खोना, पर आपने सुना ही नहीं। भागकर मेरी बेइज्जती ना होना, इसके लिए वृंदा अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती करवाती गई। जिसने जो जो ब्लेम किया चुपचाप वो सहती रही, इस बच्चे के लिए, मेरे लिए। वाह, तो ये नजारा दिखाने के लिए हम सबको यहाँ इकट्ठा किया था तुमने। इसलिए कह रही थी जो आ रहा है उसे हम खुले दिल से खुले दिमाग से अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि तुम तो ऐसा पहले ही कर चुकी हो, खुल के एक्सेप्ट कर चुके ना इसे। बस राजीव, आपकी बेटी तो हमारे बच्चों से भी ज्यादा मॉडल है। सीरियसली वृंदा, अभी आपके इन लक्षणों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, आपने तो शादी से पहले ही बूम बूम शकलाका कर लिया। स्पर्श जबान संभाल के बात कर। अरे जबान नहीं, अपनी बीवी को संभालो, उसे आंखें दिखाओ जिसने हमारी आंखें नीची कर दी। आज तो हमें ये बात पता चली है, पता नहीं कब से इस लड़की ने हमारी नाक काट के रखी होगी, पता नहीं कितनी बार और कितने लोगों के साथ। बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा, ये पारेख खानदान का बच्चा है, मेरे रहते हुए इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जा बेटा, इसे अंदर लेके चल। चल। सही और गलत तो मुझे नहीं पता, मगर आज के बाद अगर तुम पर कोई भी तकलीफ आएगी ना, और उस तकलीफ को अगर तुमने अपने बड़े पापा से छुपाया, फिर देखना तुम। चलो बच्चे को अंदर लेकर जाओ, जाओ जाओ। और आप लोग भी जाओ। महेश, मैं किस मुंह से माफी मांगूं? मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं आकाश भाई, आप ऐसे मत कहिए, लिली भी तो मेरे लिए मेरी प्रिंथा जैसी ही है ना। आप लोग बस उसे माफ करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बेटा, प्रिंथा मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना है, खुश रहो।